हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास एक इस तरह से बैग्स हैं जो कि हम कई बार सब्जी वगैरह खरीदते हैं या फिर हम कोई और किसी शॉप से छोटा मोटा सामान लेके आते हैं, ग्रॉसरी वगैरह, तो हमें ये बैग रिसीव होते हैं। सो अगर आपके पास ऐसे बैग हैं तो आप इनकी मदद से लूफा कैसे बना सकते हो, तो आप इसकी जगह नेट फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी मेरे पास नेट फैब्रिक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए इन बैग्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं लूफा बना सकूँ। सो इन जो बैग्स हैं ये, इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसलिए मैंने ये वाले बैग्स चूज़ करे। आप चाहे तो सिमिलर कलर के बैग भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें इसको कट करना है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, जो बैग का बीच वाला पोर्शन है यानी जो मिडल वाला पोर्शन है आपको उसको रख लेना है, और ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है और अपर पार्ट वाला पोर्शन है आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हो और आप इसको साइड में रख सकते हो। सो इस तरह से मैं इन दोनों बैग्स को भी कट कर लूंगा। सो मेरे पास जो व्हाइट कलर का बैग था और जो येलोइश कलर का बैग था वो थोड़ा बड़ा था, तो इसके मेरे पास दो कट हो गए और इसके भी मेरे पास दो पोर्शंस कट हो गए, एंड ये मेरे पास पिंक कलर का एक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने पोर्शंस कट करे हैं आपको इसका एक पार्ट लेना है और उसको वहां से कट कर लेना है। सो इस तरह से मैंने इन पोर्शंस को ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी नेट फैब्रिक की तरह ही लग रहा है। अब आपको एक एक को लेना है, आपको हर एक पार्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड करते जाना है जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ। सो ये इस तरह से फोल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ना है और आपको लेनी है एक ऊन या फिर आप सिंपल सा थ्रेड भी ले सकते हो। सो आपको थोड़ा सा इसको कट करना है एंड इसको यहाँ से बांध देना है, इसके मिडल से बांधना है, और आपको इतना टाइटली नहीं बांधना है, आपको यू नो लाइट सा बांधना है, बट इतना भी लाइट नहीं कि ये ओपन हो जाए, जो भी आपने करा है वो ओपन हो जाए, आपको इतना लाइटली भी नहीं बांधना है। सो सिंपल सी आपको नोट लगानी है, हल्की सी, ज़्यादा टाइट नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि आपका एक्स्ट्रा धागा है काफ़ी सारा तो आप निकाल सकते हैं। सो मैं इतना सा कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको बाकी ये जो पीसीस है आपको इसका भी इसी तरह से नोट बनानी है। सो गाइज, एज यू कैन सी कि मैंने काफ़ी सारी नोट्स बना लिए। आपको वैसे तीन ही चाहिए होती है, बट मेरे पास जो बैग्स थे वो काफ़ी बड़े थे, तो मैंने उसके कट करके ये मेरे पास 5 नोट्स हो गई है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके इनको जोड़ते जाना है कुछ इस तरह से। सो सबसे पहले मैं ये येलो वाला ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये व्हाइट वाला ले रही हूँ, मतलब जैसा आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस तरह से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये व्हाइट वाला ले रही हूँ, फिर मैं पिंक वाला ले रही हूँ, देन अगेन मैं व्हाइट ले रही हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ येलो वाला। सो ये मैंने इस तरह से ले लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से यार्न चाहिए एंड आपको ये थोड़ी सी लेनी है। सो मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी ले लूँगी, इतनी सी ले लूँगी, और आपको इसको अच्छे से बांधना है। सो अब मैं इसको अच्छे से बांध रही हूँ, आपको इसमें बहुत टाइट सी नोट लगानी है ताकि जो ये खुले ना। सो यहाँ पे मैंने टाइट सी नोट लगा लिया, और जो भी एक्स्ट्रा है मेरे पास, जो भी थ्रेड एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा।
सो गाइस, आपको इसको चारों तरफ से खोल लेना है और खोलने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। तो आप चाहे तो आप सेम यू नो बैग्स का यूज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो आप अलग अलग बैग्स का यूज भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक थोड़ी सी यू नो यार्न और लेनी है, ऊन और लेनी है, और आपको ये जो हमने यहाँ पे नोट बनाई है आपको इसमें बांधनी है ताकि आपको एक लूप बनानी है बेसिकली। सो इस तरह से यहाँ पे आपको इसको बांधना है और इस तरह से कुछ लूप बनाना है। सो इसको बनाने के बाद आप इसको दोबारा से सेट कर सकते हो कि ताकि ये खराब ना हो जाए, और इस तरह से आप इसको लटका सकते हो अपने बाथरूम में या फिर जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि ये होममेड लूफा आपके लिए यूजफुल रहा हो और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास नेट फैब्रिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेट फैब्रिक को यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा लूफा बना सकते हैं। सो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो मेक श्योर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप किसी और वीडियो को मिस ना करो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉच।